हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो लेक्चर। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 7.1 के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है I = ∫(2x - 3cos x + c)(x), ठीक है। यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों इस 2x का जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा एक्स स्क्वायर। कितना आएगा बच्चे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि हमको मालूम है कि एक्स स्क्वायर का जो डीको होता है वो 2x होता है, ठीक है ना। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा माइनस 3 cos x। इस cos x का इंटीग्रेशन आपको बताया गया, क्या बताया गया, साइन एक्स बताया गया, प्लस e^x + c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां पे कहोगे कि सर ये e^x है ना, तो इस e^x का इंटीग्रेशन e^x ही होता है, इसलिए ये एज इट इज रखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। I = 2x² - 3sin x + 5√x dx। बच्चों आप देख सकते हो कि जो इंटीग्रेशन है ये सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। या आप यही से इस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो, जिसको लिख सकते हो x³/3, ठीक है ना। माइनस 3 साइन का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है माइनस कॉस एक्स। तो यहां पे माइनस पहले से था तो ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो गया, ठीक है ना। प्लस 5, और इस रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको बताया गया है कि 2/3 एक्स का पावर 3/2 होता है प्लस सी, ठीक है। कैसे बना रूट एक्स का इंटीग्रेशन, इस रूट एक्स को आप लिख सकते हो एक्स का पावर हाफ, और जिसे इसका इंटीग्रेट करते हो तो क्या हो जाता है, 1/2 + 1/2 + 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आप यहां पे 5 × 10/3 भी कर सकते हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 18 है, I = ∫(sec x) में दिया है sec x + tan x। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हो यहां पे sec x में भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इस sec x से इस tan में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा sec² x + sec x × tan x, tan x। और जैसा कि बच्चों आपको बताया गया है कि जो sec² x जो होता है ये tan x का डीको होता है, ठीक है। तो tan x का डीको यदि sec² x है तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x। बिल्कुल सही जवाब, tan x। प्लस इसी प्रकार आप इसको देखो कि sec x × tan x किसका डीको होता है, तो ये sec x का डीको होता है। तो एट अ टाइम इन दोनों का एक साथ sec x × tan x का इंटीग्रेशन जो कि बन जाता है sec x + c, और यही हमारा क्या है, आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो लिखा गया है sec²x / cosec²xdx। अब ये कैसे किया जाए सर? तो बच्चे आप देख सकते हो ये जो cosec²x है ये जब ऊपर जाएगा तो sin²x बन जाएगा, ठीक है। और जब sec²x नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, cos²x बन जाएगा। क्या मतलब सर, इस sec²x को लिखा जा सकता है 1/cos²x, ठीक है ना, और ये 1/cosec²x को लिखा जा सकता है sin²x, ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम है कि sin²/cos²=tan²x होता है, ठीक है। यानी कि ये I हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan²x · dx, और इस tan²x को आप लिख सकते हो sec²x - 1, ठीक है ना। अब इस sec²x का इंटीग्रेशन कर देते हैं जो कि tan x होता है,
माइनस और इस वन का इंटीग्रेशन x होता है प्लस सी और यही हमारा क्या बन जाएगा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। ठीक है तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल भी समझ में आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट डाउन कर लें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कुछ इस प्रकार से लिखा है कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब इसको यहां पे इंटीग्रेट करना है तो बच्चों यहां पे कभी भी आप भूलकर न्यूमरेटर का अलग इंटीग्रेशन और डिनोमेटर का अलग इंटीग्रेशन मत करना। ठीक है ऐसा कोई रूल नहीं है। यहां पे हम कर क्या सकते हैं कि इस कॉस स्क्वायर एक्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये देखिए 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए इसको माइनस 3 साइन एक्स अपॉन और इसको भी लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स को हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दे रहे हैं। अब आप ये कहोगे कि सर यहां पे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्यों लिखा है ना, तो आप देख सकते हो कि ये जो साइन बाई कॉस है ये टैन होता है। साइन बाई कॉस क्या होता है टैन एक्स होता है। ठीक है यानी कि ये बन गया 2 sec स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 बाई कॉस स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर एक्स होता है माइनस 3 और 1 बाई कॉस एक्स को हम sec एक्स लिखते हैं sec एक्स इंटू साइन बाई कॉस क्या बनता है टैन एक्स लिख दिया अभी इंटू डीएक्स। और देख सकते हो बच्चे कि यहां पे 2 इस sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है tan x, ठीक है ना माइनस 3 और sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन बनेगा ये बनेगा sec x प्लस c और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आ चुका है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो लिखा है आई इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स और इस सवाल में बोला है कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो बच्चों आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है यदि अभी तक आपने पार्ट 2 को नहीं देखा है तो अभी तुरंत प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप देख सकते हो कि एंटी डेरिवेटिव जो होता है उसको इंटीग्रेशन ही कहते हैं। ठीक है तो आइए देखते हैं आई इक्वल टू इस रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 बाई 3 एक्स का पावर 3 बाई 2 प्लस और 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रेशन में बताया गया है 2 रूट एक्स है ना और इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है तो आई होप कि आपको ये अब दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन नंबर 20 और 21। चलते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट डाउन कर लें। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार से लिखा है कि इफ डीको ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4 सच दैट एफ टू इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। और यहां पे एफ एक्स के लिए चार ऑप्शन दे रखा है। ठीक है तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है। तो बच्चों आपको एफ एक्स फाइंड आउट करना है और एफ एक्स यहां से निकलेगा। कैसे निकलेगा, यदि हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं ठीक है तो ये एफ एक्स आ जाएगा यानी कि एफ एक्स की जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4 dx। अब आप ये सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि डीको ऑफ एफ एक्स का जब डीको फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू आता है। ठीक है तो जब इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे मतलब कि इसका इंटीग्रेशन जब फाइंड आउट करेंगे तो किसके बराबर आएगा वो एफ एक्स के बराबर आएगा। समझ रहे हो, अब यहां पे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो गया 4 और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 बाई 4 हो जाएगा। ठीक है ना माइनस 3 और 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर 3 4 माइनस 1 प्लस 3। ये कौन से फॉर्मूले से किया बच्चों,
तो आपको बताया गया था फॉर्मूला 1 बाई एक्स टू पावर एन का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन एन टू एक्स टू पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है, ये 4 से 4 कैंसिल हो सकता है, यानी कि जो एफ एक्स आ रहा है ये दे रखा है एक्स टू पावर 4 माइनस माइनस ये हो गया प्लस 3, ठीक है, अपॉन में 4 में से 1 गया ये भी 3 हो जाएगा, 3 बाई 3 1 बाई एक्स टू पावर 4 प्लस सी, ठीक है ना। और यहां से ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब अपने को मिलता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4 प्लस 1 बाई, ठीक है, ये क्या है, ये 3 है यहां पे बच्चों, एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है। लेकिन सवाल में जब देखते हो तो आगे भी लिखा है कि एफ टू की वैल्यू 0 है, यानी कि यहां पे x की वैल्यू यदि 2 रख दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, f2 2 0 है ना। तो f2 की वैल्यू जब 0 है तो इसका मतलब हम यहां पे जैसे 2 रखते हैं f2 फाइंड आउट होगा 2 के पावर 4 प्लस 1 बाई 2 के पावर 3 प्लस c, जो कि बन जाएगा 16 प्लस 1 बाई 8 प्लस सी, और इस पूरे की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है, F2 की वैल्यू 0 है, यानी कि F2 जैसी रखा तो ये बन गया 2 के पावर 4 16 1 बाई 2 के पावर 3 8 प्लस सी इक्वल टू 0, और यहां से सी की वैल्यू क्या आ रहा है आप देख सकते हो 129 नेगेटिव में माइनस 129 बाई 8 आ रहा है, और इस माइनस 129 बाई 8 को आप कहां रख सकते हो, इसी क्वेश्चन में रख सकते हो, क्वेश्चन 1 में। जैसे ही आप रखते हो आपको एफ एक्स मिल जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यू माइनस 129 बाई 8, और यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में ये गिवन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 7.2 की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे अगला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 के लिए यहां पर स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन की मेथड, अलग अलग इंटीग्रेशन की मेथड्स हैं। उस इंटीग्रेशन के मेथड्स में पहला जो मेथड बनता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब आप ये समझते हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे और कब अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या होता है कि दो फंक्शन को आपको बहुत ध्यान से देखना होता है, ठीक है। एक फंक्शन का डीको मतलब कि डिफरेंशिएशन आपको वहीं पे गिवन होता है, जिस फंक्शन का डीको गिवन होता है उसको आप एक वेरिएबल मान लेते हो और फर्दर उसको सॉल्व करते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे ये फाइंड आउट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको फाइंड आउट करना है टैन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस टैन एक्स का इंटीग्रेशन के लिए हम यहां पर साइन एक्स बाई कॉस एक्स दिखा सकते हैं, tan को लिख सकते हैं sin by cos। अब यहां पे आप देखो कि किसका d को गिवन है, क्या sin का d को गिवन है। तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि sin का d को क्या होता है, cos x होता है। यहां पे cos x नहीं गिवन है, यहां पे 1 by cos x गिवन है, या 1 by cos x का मतलब sec x गिवन है, sin का d को नहीं गिवन है, ठीक है। तो क्या cos का d को गिवन है, तो आप देख सकते हो cos का d को क्या होता है, माइनस sin, ठीक है, यानी कि साइन यहां पे साइन है, हम माइनस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो कॉस एक्स का डी को साइन एक्स गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे कि जिस फंक्शन का डी को गिवन होता है उसको एक वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉस एक्स का डी को साइन एक्स है, तो हमने मान लिया टी इक्वल टू कॉस एक्स, और इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो टी का डी को कितना आएगा, डी टी माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। इस माइनस को आप इधर लेफ्ट साइड में भेज दो ऐसे, और आपको मिलेगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये किसके बराबर, माइनस डी टी के बराबर। अब सवाल में लोट कर रहा हूं, आप देख सकते हो कि ये जो साइन एक्स इंटू डी एक्स है हम यहां पे माइनस डी टी को रख सकते हैं, ठीक है, और इस कॉस एक्स के जगह पे हम टी को रख सकते हैं। और जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि ये हो गया 1 बाई टी इंटू डी टी, और इसका जो इंटीग्रेशन बन जाता है ये कितना हो जाता है, log mod t plus c,
ठीक है, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, लॉग मॉड टी, यदि 1 बाई एक्स होता विद रिस्पेक्ट टू एच तो लॉग मॉड एक्स होता, है ना। यानी कि इस टी को हम वापस जो वैल्यू माना गया था कॉस एक्स यहां पे सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, कॉस एक्स प्लस सी, और यही हमारा क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन बन जाता है। इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी बन जाता है, वो कैसे सर? तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लॉग एम के पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, ठीक है। यानी कि इस माइनस को माइनस वन इंटू लॉग कॉस एक्स लिखा जा सकता है, लॉग कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इस फॉर्मूले से लॉग एम के पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम से इस एन को एम के ऊपर रख सकते हो पावर में, ठीक है ना। यानी ये बन गया आई इक्वल टू लॉग कॉस एक्स का पावर माइनस वन प्लस सी, और यहां पे कॉस एक्स का पावर माइनस वन का मतलब वन बाई कॉस एक्स प्लस सी, और वन बाई कॉस एक्स का मतलब कितना होता है सेक एक्स, और सवाल में मॉड लगा था ये मॉड लगा दिया प्लस सी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा टेन एक्स का इंटीग्रेशन बन जाता है, जिसका वैल्यू बता माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स या लॉग मॉड सेक एक्स, ठीक है। चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की तरफ। अगला जो एक क्वेश्चन देखते हैं, एक और कॉटेक्स का इंटीग्रेशन। तो बच्चों आप वीडियो को पास कर जरूर से अटेम्प्ट करिए कॉटेक्स का इंटीग्रेशन। तो इस कॉटेक्स के इंटीग्रेशन के लिए हम यहां पे इसको लिख सकते हैं कॉस अपॉन में साइन इन टू डी एक्स, ठीक है ना। फिर से देखो किसका डी को गिवेन है, साइन का डी को कॉस गिवेन है, कॉस का डी को माइनस साइन होता है, लेकिन यहां पे वन बाई साइन लिखा है मतलब कि कॉस एक्स लिखा है, तो कॉस का डी को नहीं गिवेन है, किसका डी को गिवेन है, साइन का डी को कॉस होता है, इसलिए साइन का डी को गिवेन है ना। तो इस सवाल में किसको टी माना जाएगा, साइन को, क्यों, जिस फंक्शन का डी को गिवेन होता है उसको ही आप टी मानते हो एक वेरिएबल, ठीक है ना। तो लेट मैंने माना कि टी इक्व टू साइन एक्स, ठीक है, यहां पर लेट लिख सकते हो, पुट कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना। इस टी के जगह पे हमने डी टी कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, साइन एक्स का डी को कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है ना। यानी कि इस कॉस एक्स इंटू डी एक्स के जगह पे लिखा जा सकता है, सब्स्टिट्यूट कराइए डी टी, और ये साइन एक्स बन गया अपॉन में टी, और देख सकते हो कि वन बाई टी, और वन बाई टी का मतलब कितना होता है लॉग मॉड टी प्लस सी, और इस प्रकार ये जो t की जो वैल्यू है वापस से आप रख सकते हो sin x को, यहां पर हमने sin x को रख दिया sin x प्लस सी, और यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं हम लोग अगला जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, sec x का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो यहां पे sec x में तो कोई किसी का डी को गिवन नहीं है, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं बनाते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमेटर में हम sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो हमने sec x प्लस tan x से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और इसके डिनोमेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि अगले स्टेप में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये देखो ये मल्टीप्लाई कर दो sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, और नीचे जो डिनोमेटर है sec x प्लस tan x है। अब यहां पे यदि इस डिनोमेटर को t मानते हो तो इसका d को ऊपर बैठा है, देखो sec का d को sec x tan x, tan का d को sec स्क्वायर x, और ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है। तो कैसे होगा, तो हमने माना कि t इक्वल टू sec x प्लस tan x, ठीक है, इस डिनोमेटर को मैंने t मान लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका d को ऊपर गिवन था। तो यहां से dt टी इक्व टू sec x इंटू tan x प्लस इस tan का d को sec स्क्वायर x हो जाएगा इंटू डी एक्स, यानी कि ये sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x इंटू डी एक्स के जगह पे हम डायरेक्ट dt को सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, और ये बन जाता है I इक्व टू वॉट dt बाई t, और फिर से ये हमारा आ गया 1 बाई टी, है ना। अब 1 बाई टी का इंटीग्रेशन
लॉग मॉड टी प्लस सी हो गया, ठीक है ना। और इस टी के जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा दीजिए, क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराएंगे, sec x प्लस tan x, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप हर एक क्वेश्चन को अपने दिमाग को लगाकर सब्स्टिट्यूशन कर सब्स्टिट्यूट कराकर आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलते हैं हम cosec x की इंटीग्रेशन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, cosec x का इंटीग्रेशन ये कैसे होगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम फिर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cosec x प्लस cot x से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x, और ये जो डिनोमिनेटर है हमारा cosec x प्लस cot x है, ठीक है, cot x है। अब यहां पे डिनोमिनेटर को आप यदि t मानते तो इसका d को ऊपर बैठा है, ठीक है। तो देखिए कैसे हो रहा है कि लेट मैंने माना कि t इक्वल टू cosec x प्लस cot x, तो t का d को क्या cosec x है ना, t का d को dt, यहां पे cosec x का d को माइनस cosec x इंटू cot x, और यहां पे cot x का जो d को होता है ये होता है माइनस cosec स्क्वायर x और इंटू dx लिख दिया अपन ने। माइनस से जैसे आप पूरे इक्वेशन में डिवाइड करते हो तो ये क्या बन जाएगा, माइनस dt, और ये दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि आप देख सकते हो कि जो न्यूमरेटर है cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x इंटू डी एक्स के जगह पे माइनस डी टी को सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, यानी कि ये आई बन गया माइनस ऑफ डी टी, और ये पूरे को क्या माना था अपने, टी माना था टी, और ये बन गया लॉग मॉड टी प्लस सी, ठीक है ना। इस टी के जगह पे हम वैल्यू को रख सकते हैं कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, और यही हमारा क्या हो जाता है, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। आप चाहे तो इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हो, वो कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं cosec x प्लस cot x का होल पावर माइनस वन, ठीक है, प्लस थ्री, और तब जाकर इसको हम लिख पाएंगे वन अपॉन cosec x प्लस cot x प्लस थ्री, ठीक है ना। और इस वन के जगह पे अगेन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। नीचे डिनोमिनेटर क्या है, cosec x प्लस cot x प्लस c, ठीक है। और तब हम करेंगे क्या, न्यूमरेटर को एक ब्रैकेट में a माइनस b और अदर ब्रैकेट में a प्लस b, तो a प्लस b वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, cotec x प्लस cotec कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, और बचेगा केवल क्यों, log mod cosec x माइनस cotec प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप cosec x का इंटीग्रेशन बताते हो, इधर माइनस log cosec x प्लस cotec प्लस c या log mod cosec x माइनस cotec प्लस c। तो आई होप कि यहां पे cosec x का इंटीग्रेशन आपको क्लियर हो गया है, ठीक है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हो। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे एक्सरसाइज 7.2 का हर एक क्वेश्चन, वो आपका अपना होगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करें और लाइक का बटन जरूर से दबाएं। मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।